की मजबूरियां सन कि डॉक्टर दलजीत सिंह नूं इस तरीके दे नाल पासे कीता गया? सर देखो, इस तरह कि जिहड़ी आम आदमी पार्टी आ, इह एक क्रांतिकारी अंदोलन हैगा जी, ते इह असीं 2017 दे विच बहुत वड्डी लड़ाई लड़नी है जी। बादल परिवार पंजाब दे उपर किवें काबज हो गया है, किहो जिहियां ताकतां दे नाल असीं लड़ाई लड़नी है, उस करके जदों भी किसी फौज ने लड़ाई लड़नी होवे तां उस फौज दे विच अनुशासन बहुत जरूरी है। सो हुण असीं अरविंद केजरीवाल जी दी सोच नाल जुड़े होए हाँ जी जी, जिहड़ी कि बड़ी सच्ची सुची क्रांतिकारी सोच हैगी है। साडी पार्टी दे विच सब तो इंपोर्टेंट चीज़ हैगी सिद्धांत जी, सोच, ते जिहड़ी साडी फौज आ, क्योंकि उन्हें इन्नी डेयरिंग लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नी है, परिवारवाद के खिलाफ लड़नी है, नशा के खिलाफ लड़नी है। सो गल यह है कि अनुशासन बहुत जरूरी है, उसे करके कार्रवाई जिहड़ी अगे कीती गई है। हाँ जी, प्रोफेसर मनजीत सिंह, तुसी भी इस अनुशासन के भुगत भोगी रहे हैं, तुहानू किस तरह लगता है इस कार्रवाई से? देखो, अनुशासन तो वो खुद अनुशासनी कमेटी का चेयरमैन है जी, वो आप तो लग्या नहीं, उन्होंने पार्टी ने कुछ वेख के लाया हो, तो जिहड़ा बंदा खुद ही जिहड़ा अनुशासन चाहुंदा है पार्टी के अंदर, उन्होंने ही जो राह दिखाता जाए बाहर का, तो फिर यह मतलब की है? फिर अनुशासन नहीं, फिर तो गैर अनुशासनी गल हो गई जी जी। इस करके ये एवें नहीं होया, हर बंदा चाहुंदा आ, इकला केजरीवाल ही नहीं इनकलाबी जन्म लै लिया, बहुत इतने पंजाब की धरती से बहुत इनकलाबी है जिन्होंने इस धरती लगातार सिंजिया गदराइट्स तो लैके ऑनवर्ड। इस करके उन्हां दी सोच ठीक है, असीं नहीं उन्हां नूं किंतु परंतु करदे, पर जिहड़ी आ सोच आ कि सत्ता लई किसे नूं भी कुछ भी कर सकना, कर देना जां कन्नों फड़ के बाहर कढ देना जी जी, इह मैनूं लगदा कि पार्टी लई बहुत वड्डे पद्धर ते ढा ला रहा और बहुत लोगों नूं मयूस कर रहा। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਿੰਪਲ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ